नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वक्री शनि के फल के बारे में। ग्रहों की तीन प्रकार की चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं, जब कोई ग्रह सामान्य गति से ज्यादा तेज चलने लगे तो उसे अतिचारी कहते हैं, जब कोई ग्रह सामान्य गति से धीमा चलने लगे तो उसे वक्री कहते हैं। आकाशमंडल के अंदर जब कोई ग्रह धीमी गति से चलता है तो पृथ्वी से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो ग्रह थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, इसीलिए ऐसे ग्रह को वक्री ग्रह कहा गया है। वक्री ग्रहों का प्रेडिक्शन करने के लिए 5 नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहला, हमें यह जानना होगा कि कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। दूसरा, शनि कौन सी राशि में बैठा है उसका भी अपना महत्व है। शनि उच्च का है या नीच का है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। तीसरा, शनि कौन से भाव में बैठा है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है या फिर 6, 8, 12 में बैठा है। चौथा, शनि की अवस्था क्या है, शनि बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, कुमार अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या फिर मृत अवस्था में है। और पांचवा, शनि कैसे ग्रहों के प्रभाव में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। ये सारी बातों को मिलाने के बाद देखना चाहिए कि शनि किस प्रकार का फल देगा। मैंने मेरे 25 साल में जो खास अनुभव पाया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर अगर शनि शुभ ग्रह होके वक्री होता है तो उसका शुभ फल 3 गुना बढ़ जाता है, और ठीक उसी प्रकार कुंडली के अंदर शनि अशुभ ग्रह बनकर मारक बनकर अगर वक्री होता है तो उसका अशुभ फल 3 गुना बढ़ जाता है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, यहां देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर मान लो शनि दशम भाव में स्वगृही होकर बैठा है तो यहां पे शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो यहां का 100% फल देगा। लेकिन अगर शनि वक्री है तो पिछले भाव का भी 50% फल देगा, यानी कि शनि नवम भाव के अंदर धनु राशि का भी 50% फल इसके साथ देगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव के अंदर तुला राशि का होके उच्च राशि का होके शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ये स्थान का 100% फल देगा। लेकिन अगर शनि वक्री है तो पिछले भाव का भी 50% फल देगा। इस प्रकार से आपको प्रेडिक्शन में ध्यान देना है। अभी हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर अगर वक्री बनता है तो वो कैसा फल देगा, तो जानिए ध्यान से। जो लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर वक्री होता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतु, स्वमानी, स्वाभिमानी होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं, समय के बड़े पाबंद होते हैं और उनको दिया गया काम वो पूरी निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ ग्रह होकर वक्री होता हो तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में 36 वर्ष तक बहुत संघर्ष में जीवन जीते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और बुढ़ापे के अंदर समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर कारक ग्रह होकर अगर वक्री होता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी होते हैं। आत्मज्ञान, आत्ममंथन, तत्व ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा से लगा ज्ञान, वेद, पुराण, स्कंद, ये सब ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें बड़ी रुचि पाई गई है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ ग्रह होकर कारक ग्रह होकर अगर वक्री बनता हो तो ऐसे व्यक्ति
बहुत ही अच्छे व्यापारी बनते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियन, न्यायाधीश, सुरक्षा क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी, यानी कि फौज के अंदर, नेवी के अंदर, मिलिट्री के अंदर बड़े बड़े अधिकारी पद पाते हुए देखे गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और मैनेजर, इन लोगों की कुंडली के अंदर भी शनि शुभ ग्रह होकर वक्री पाया गया है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर वक्री होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति बड़े ईमानदार, वफादार, नीतिवान, सामाजिक, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, वफादार होते हैं और बड़ी उम्र में सर्व सुखों को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर वक्री होता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, अच्छे कर्मकांडी और तंत्र मंत्र विद्या जैसी गुड विद्याओं में रसिक भी पाए गए हैं। अभी हम जानेंगे जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि कुंडली का अशुभ ग्रह या फिर मारक बन के अगर वक्री बनता हो तो कैसा फल देगा। तो ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति बहुत ही टेंशन लेने वाले, बहुत ही परेशान रहने वाले और बहुत ही उदास रहने वाले पाए गए हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह होकर वक्री होता हो, तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे, सही गलत का विचार किए बिना जल्दबाजी में बड़ा निर्णय ले लेते हैं और बाद में उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव में थोड़े आलसी और सुस्ती भी पाए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैसे की लालच देके, धन का लाभ देके आसानी से फंसाया जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह होकर वक्री होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी की निष्फलता का बोझा दूसरों के सर डाल देते हैं। जैसे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसके वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, इसने ऐसा किया होता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, इसने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरी जिंदगी खराब है। ये भी एक खास बात देखी गई है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह होकर मारक होकर वक्री बनता है, तो और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को आसानी से बुरी आदतें लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, मसाला, ऐसे सब व्यसन लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर बार बार नौकरी बदलते हैं, व्यापार के अंदर भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और धन की बचत भी नहीं कर पाते हैं। और एक खास बात देखी है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह बनकर अगर वक्री होता हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। यानी कि मेहनत ज्यादा, लाभ कम, बुद्धि ज्यादा, फायदा कम, करे बहुत मिले थोड़ा, और बहुत मेहनत करने के बावजूद धन की बचत नहीं कर पाते। प्रिय दर्शकों, जिनकी भी कुंडली में शनि अशुभ ग्रह होकर वक्री होता हो, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? ओम शम शनिश्वराय नमः के जाप करने चाहिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, देवाधिदेव महादेव की उपासना, आराधना, अनुष्ठान करना चाहिए, शनिवार के दिन हनुमान को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, और शनि जिसकी भी कुंडली में अशुभ ग्रह बनकर वक्री बनता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को, साफ सफाई करने वाले व्यक्तियों को भरपेट भोजन देना चाहिए और वस्त्र दान करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण को बुला के भरपेट भोजन करा के उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। अगर कुंडली के अंदर शनि वक्री होकर अशुभ ग्रह या मारक बनता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि से लगता दान पुण्य करना चाहिए, जैसे कि तेल का दान करना चाहिए, काला तिल का दान करना चाहिए, उड़द का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रह होकर वक्री होता हो, तो ऐसे लोग किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह लेके शनि का रत्न नीलम भी पहन सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।